हेलो, मैं हूँ ओजस रजानी और आपने मेरे साथ मास्टर क्लास ऑन टाटा स्काई। आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट अ नाइस ट्रेंडी गर्ली लुक, जो हर एक जन को पसंद आता है। कॉलेज गर्ल हो, वर्किंग वुमन हो, हाउस वाइफ हो, मॉडल हो, फैशनिस्टा हो, या जस्ट कोई आम पर्सन हो। सो टुडे वी टॉकिंग अबाउट गेटिंग सम लवली आई शैडोज। और आजकल की ट्रेंडिंग जमाने में लिप ग्लॉस जैसे आई शैडो निकले, जो आपको बताएंगे सो मेनी कलर्स टू चूज फ्रॉम। फ्रॉम मेरी बैग इट विल मूव मैन देयर मोर देन 24 कलर्स। जैसे हम लोग स्कूल में पेन से खेलते थे, क्रेयॉन से खेलते थे, वैसे ये कलर है। सो दे वेरी इजी टू अप्लाई, दे लाइक अ लिप ग्लॉस। इट्स कॉल्ड अ लिक्विड आई शैडो। या आप आंखों पे लगा के इसको सिर्फ हल्के हाथ से ब्लेंड करो, या डोंट यू नो डू एनीथिंग, खाली इसको सूखने दीजिए। आपको की लिप्स के ऊपर लगा सकते, काजल की जगह पे लगा सकते, वाटर लाइन में भी लगा सकते। एंड दिस इज एब्सोल्युटली वाटरप्रूफ। या सो जैसे उन्होंने बहुत ही प्यारा पर्पल टॉप पहना, सो आई एम थिंकिंग वी गो फॉर अ नाइस यू नो पर्पल स्मोकी आई इफेक्ट। तो काफी टाइम लोगों ने वो हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया, तो हमको यू नो आंखों का मेकअप करने में थोड़ी तकलीफ होती है, हिचक होती है। या हाउ टू बी गेट दैट परफेक्ट स्मोकी आई, जिसमें ज्यादा तामझाम ना हो, या ज्यादा हमारे पास ब्रशेज ना हो, या ज्यादा हमको मालूम नहीं कि कैसे खींचना है, कौन से ब्रश से ब्लेंड करना है और कौन से ब्रश नहीं ब्लेंड करना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक स्टेप व्हिच आई विल शो यू। सो दिस इज लाइक अ लिप ग्लॉस लाइक यू आर सेइंग। तो हमें सिर्फ लिप के ऊपर, तो पहले हम आंखों से शुरू करेंगे, हम लोग बेस बाद में करेंगे, राइट गर्ल्स, बिकॉज़ वी ट्राइंग टू अचीव समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। तो कभी मेसी ना हो आपका बेस या कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग आंखों से शुरू कर रहे हैं। तो आई शैडो लगाने के पहले वी विल अप्लाई जस्ट अ लिटिल कंसीलर। तो सिर्फ लिप पे हम थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे। लेकिन बिकॉज वी यूजिंग लाइक अ लिक्विड आई शैडो, तो हमें पाउडर नहीं करना है। ये इसकी खूबी है, करना तो इसकी क्रीज लाइन है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट राइट ऑन द लैश लाइन एरिया। शुरू बीच में से करेंगे लगाना। हां जी, वेरी गुड, आपका ध्यान बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये देखिए कि हमें पहले एकदम अंदर के इनर कोने से नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान इधर बिकम्स टू ब्रॉड। तो हम पहले बीच में से शुरू करके देन वी टेक इट स्लाइटली आउट एंड देन वी स्ट्रेच द लाइन एंड देन गो इन अ कॉर्नर। आप ऑल्सो कैन मेक अ ओपन द आई, ओपन द लाइन ऑफ इट लुक्स वेरी ना तरह के, बहुत ट्रेंडिंग है कि कलर्ड लाइन या कलर्ड हल्का सा शैडो हो, ये बहुत ही गर्ली इफेक्ट देता है। ये यू कैन वेयर दिस कैन फॉर कलर टू वर्क, यू कैन वेयर टू पार्टी, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट यूजिंग योर इमेजिनेशन। और अभी इसकी जो आउटर है, लुक डाउन, सिर्फ लेट इट ड्राई। बेसिकली इसकी ट्रिक ये है कि इसको सूखने देना है, नहीं तो कभी कभी फिर टू वेट कभी कभी आई शैडो फैल जाता है। देन यू टेक अ पेंसिल ब्रश लाइक दिस थिन वन एंड यू कैन जस्ट स्लाइटली डिफ्यूज द एज। तो जैसे आप आईलाइनर लगाते हैं वही तरीके से लगाना, लेकिन मैंने शुरुआत पहले सेंटर से की, देन वी वेंट आउट एंड देन वी फॉर द इनसाइड। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पहले यहाँ से शुरू करेंगे फिर लिक्विड है तो कभी यहाँ चिपक जाएगा तो फैला लगेगा, फिर आपको पूरा क्लीन करना है। प्लस इसका प्रॉब्लम ये है कि इट्स टू ब्रॉड, इट डजंट गिव अ नाइस इफेक्ट। तो सेम थिंग टू डन, हम यहाँ से शुरू करेंगे। And then again, थोड़ा सा इसे elongate करेंगे।
give the little length. Now look down aapko, aapko sukhne dena hai. Tab tak you can do your mascara or you can do your base, what you like. First we finish the mascara. I want to stick eyelashes also for her. Just give that little drama to her eyes. And unko eyelash ka bada shock bhi hai. So we're going to try and give her that look. Now again, this is an option कि अगर आपको lash curling नहीं जमती है तो आप experiment ना करें क्योंकि कभी-कभी डर लगता है कि skin बीच में आ जाती है then obviously it's a little scary because you know it's your skin by the end of the day. So this is an option but I'm going to try and use it. और इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसलिए ताकि पलके उस तरफ जाए and then you know again I count 20 in my head and then I release. Are you okay, darling? Didn't pinch you, right? Okay. Now, we want a little more drama. The lashes form look thoda exaggerate karenge. Right from the root to the tip. पहले जो inner lash उसको left कोने में दबाना है, फिर ये center वाली सीधी लेनी और जो right में है वो उनकी right liner की तरफ लेना है. So it gives you a nice wide eye effect. Okay? Because I think lashes make a bigger difference. So lashes you have to make sure कि mascara अच्छे से blend किया हो और clumpy ना लगे. So now, what are we going to do? Can you tell me what are the steps before doing foundation? Right. Okay. और हम इनको oil नहीं लगाएंगे जो इनकी skin already थोड़ी oily और उनको थोड़ी खुंसी है इसलिए दोपहर है. So like I said, कि जिसकी skin sensitive हो या acne prone skin हो उसके पर हम लोग oil avoid करेंगे. अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सिर्फ you know highlighter पे थोड़ा सा लगाएंगे या we put a cream highlighter. Okay. So this is a nice mattifying primer which we will use. Again, just to drop. आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं लेकिन ये मेरा प्राइमर इटसेल्फ इट्स अ प्राइमर कम मॉइस्चराइजर ये टू इन वन है तो ये परफेक्ट है सेंसिटिव स्किन के लिए. तो अगर आपके पास सपोजिंग ऐसी क्लाइंट आती है आपको खुद का फेस है तो आई डोंट वांट कैरी टू मी खुद आज हम एक हम इतना सारा कर कैरी कर कभी चीज टूट गई गिर गई खो गई तो वी ट्राई एंड गेट समथिंग व्हिच इज लाइक अ टू इन वन प्रोसेस. तो इससे हमें यू नो ये फायदा कि यू नो मॉइस्चराइज भी हो जाता है प्राइमिंग भी हो जाता है यू नो यू डोंट गेट कैरी टू मी थिंग. पर अगर आपके पास ऐसा प्राइमर हो जैसे किसी ने बताया था कि बेनिफिट का जो प्राइमर आता है वो बहुत ही जेल बेस्ड या वैक्स बेस्ड वो बहुत ही ड्राइंग है उसके पहले आपको हल्का मॉइस्चराइजर लगाना है तो आपका मेकअप रेडी नहीं होगा क्योंकि वो क्या मोम की तरह है वैक्स की तरह तो वो छिपा ही रहता है तो यू कैन नॉट यू नो ओवर ब्लेंड बिकॉज़ स्मूथली आप स्प्रेड ही नहीं कर सकेंगे वो रुक जाएगा मेकअप इसलिए उसके अंदर आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है. ये टू इन वन इज वेरी गुड. अगर स्किन ऑयली भी है और आपके पास ऐसा टू इन वन प्राइमर नहीं है लेकिन आपके पास वैक्स बेस्ड प्राइमर है
तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है. लेकिन अगर आपका नॉर्मल प्राइमर जाता है, बट मोस्टली ऑल द प्राइमर्स आर वेरी मैटिफाइंग, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैटिफाइंग. तो अगर आप देखें खुद भी हम लगा दें तो कभी कभी स्किन बहुत खींच कम्स टू ड्राई टच ऑल्सो, इट हैज अ वेरी वेलवेट फील, यू नो, थोड़ा उसमें वो बेस रहता है मोम का हर एक प्राइमर में, अंडर से नंबर टू इन वन. सो इट ऑलवेज प्रेफरेबल कि हल्का मॉइस्चराइजर हम लगा दें, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या चेहरा विल जस्ट नॉट स्प्रेड, आपका जो बेस होगा या फिर हम ब्लश लगा दें तो वो भी नहीं होगा. तो आप पर यू नो रिजेक्ट हो जाएगा जब आपने मेकअप क्यों अटक रहा है, ट्रांसपेरिंग प्रॉपर्टी या जो हमको रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट टू यूज अ लिटिल मॉइस्चराइजर. या नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. फोरहेड पे हमने इसलिए ज्यादा लगाया क्योंकि उनकी फोरहेड पे बहुत सारी फुंसी है, तो उसको छुपा करना उतने में ही भरना है. इट्स लाइक अ लक्ष्मण रेखा, उसके बाहर आप जाएंगे तो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कीकी भी लगेगा. कभी कभी मेकअप यू नो पसीने से और यू नो स्पिट्स आउट द मेकअप, तो पैची और कोई कोई जगह से मेकअप उखड़ जाता है. तो मेकअप वहाँ उतना ही लगाना जितना जरूरत हो. जैसे बच्चा गिर जाता है जो जख्म लगा है, तो जख्म के ऊपर ही आप ऑइंटमेंट लगाएंगे, उसके आजू बाजू पर नहीं लगाएंगे. सिमिलरली विद फेस, कि जहाँ आपको लगे कि यह थोड़ा जरूरी है लगाना, जैसे अंड्राई एरिया है, अपलिप एरिया है, तो वहाँ हम लगाएंगे, बाकी हर एक जगह पे नहीं लगाएंगे. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कलर टोन ऐसे सिलेक्ट करना है कि उनका नेक और फेस सेम लगे. तो उसका अगर ट्रायल आपको करना है तो बेस्ट वे टू ट्राई ऑन द जॉ लाइन, और जॉ लाइन और नेक में ज़्यादा फासला नहीं है, तो आपको तुरंत यू नो मालूम होगा कि भाई यू नो ओके फाइन, हम लोग यू नो कलर टोन परफेक्ट मैच हो रहा है. नहीं तो कभी कभी क्या होता है चेहरा ग्रे लगने लगता है या बहुत मास्क या वाइट लगता है. कभी कभी आजकल क्या है लोग कैमरा बहुत खींचते हैं सेल्फी का, तो लेकिन यूज अ फ्लैश, तो फ्लैश से भी क्या कभी कुछ बहुत वाइट टाइप एक मास्क की इफेक्ट आ जाता है मेकअप में. तो दैट इज द करेक्ट वे कि भाई आपने गलती की, क्योंकि भी आपको चेक भी करना हो अपना मेकअप, तो आप फ्लैश ऑन करके कैमरा से एक सेल्फी ले सकते हैं या किसी और का मेकअप कर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. दैट गिव यू करेक्ट यू नो आइडिया कि आपने फाउंडेशन कलर बराबर लिया या बहुत ही ग्रे या बहुत ही यू नो वाइट अनटोन है. So that's very important to check your foundation. So again, I would say कि पहले हम corrector लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ जहाँ pigmentation या दाग दबे हैं उसको आपको corrector से छुपाना ही है. Corrector के बाद हम अभी जो लगा रहे हैं concealer. So concealer has to match exactly your neck. और आजकल trend है कि हम लोग face और neck इतना अच्छे से match करेंगे ताकि आपके कपड़े भी यू नो खराब ना हो जाए. कैसे यू ऑलवेज भी काफी हम लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे कपड़े होते हैं कि उसके ऊपर मेकअप का निशान लग जाता है. तो ड्राई क्लीन के खर्चे में तो नया मेकअप का बॉटल आ जाएगा. ड्राई क्लीन इज क्वाइट एक्सपेंसिव नाउअडेज, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल कि यू मैच द स्किन टोन. बट अगर किसी को पिगमेंटेशन या दाग या डार्क सर्कल्स है तो यू हैव टू यूज करेक्टर, बिकॉज करेक्टर के सिवा खाली कंसीलिंग करेंगे तो लुक्स वेरी ग्रे. अगर आपने देखा काफी टाइम लोगों को यू नो मेकअप के बाद भी डार्क सर्कल दिखती है,
फिर मेकअप करने का कोई मतलब नहीं होता, छोड़ो कैसे ही चले जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रीमिंग का. यू हैव करेक्ट इन योर वार्डरोब वी डोंट हैव. सो नाउ यू शुड गो एंड बाय योर. सो नाउ यू सी हमने हल्का सा जैसे आपको लग रहा था कि फॉरहेड पर हमने ज्यादा लगाया, लेकिन ज्यादा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वहां डैब प्रोडक्ट को किया है और उतना ही प्रोडक्ट फेस पे भी है. सो फिर सी ओवरऑल इट्स अ सेम ओवरटोन चेहरा, क्योंकि उतना ही बेस दिखता है, यानी कि फॉरहेड पे ज्यादा लग रहा है, गाल पे कम है या चिन पे ज्यादा है, ओवरऑल जो फीलिंग उसकी है वो पूरी इक्वली है और वैसा ही होना चाहिए. या बट एवरीवेयर यू सी आई जस्ट डैब, दिस इज द वे, क्योंकि हम लोग ओवर ब्लेंड करके प्रोडक्ट फैल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू टेल मी. You're the smart student, tell me. Concealer's done, no? Now what do we do? Foundation. No. Foundation, when I was, so we're putting the highlighter. The highlighter, the liquid highlighter. Like I said, untry for me, bright for me, we always use a little peachy kind of a highlighter to terrific dimension. So we're using again like a peachy kind of a highlighter. You highlight, you know, we put the highlight kind of give a little elongated dimension, right? So your chin ho gaya. We'll be doing the nose, because nose shaping and contouring is the most important. We have a nice uptight nose effect, okay? If someone has elongated face already, so elongated face or nose? Yeah, no, like chin is like. Okay, so if you have an elongated chin, you do not use the highlighter. Okay. You use more of a contouring stick. Yeah. But we'll be, of course, I'm putting contour effect here, like this is a very long ear chin. But you still want to kind of chisel your jawline, if you want to chisel your face, just put a contouring is required. And with the contour, you put highlight, it gives that whole 3D effect, as well the face looks round, and looks like a football. I'll give you an example, boot se chaand ko dekho, chaand pura round hi lagta hai. So imagine now, kiska makeup is a round, white chaand ke, uska chehra bhi waisa hi lagega. Right? As if you don't want to get so you don't want to look like a round football. It's an illusion. If you see somebody from far, if the face is nice and oval shaped and everything's really in a 3D nice, you know, effect, it looks very appealing. But if somebody's face is like a round football, you say, "Papa, puri manza ke nahi lagti." So you don't want to look like that. So har ek cheez ka ek purpose. We're not just doing the contouring because the actual fashion mein, you know, it's kind of streaming on Instagram now, okay, contouring. कॉन्ट्रिंग करने का एक तरीका है एंड इट बीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. एक्चुअली हमारे जो दादा मेकअप आए थे वो लोग पहले से ही कॉन्ट्रिंग करते थे. सी एनी एक्ट्रेस लाइक आई गिव एन एग्जांपल उर्मिला रंगीला और ब्रॉन्ज कॉन्स एक्वा तो तब हमने तब कर लिया है. वहाँ पे रंगीला पर कितने साल हो गए, 23 साल. तो नथिंग न्यू हूँ, फिर वही फैशन वापस आ रही, वही बाउंसी हेयर स्टाइल हमने तब कर ली, हाईलाइटेड है तब सब हो गया, अभी वापस वही लुक आप देख रहे, सब लोग कॉपी करें. तो फैशन एवरी 5 इज जस्ट रेप्लिकेटिंग एंड वापस वही कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, वही फैशन घूम करके वापस आ रही है. तो देयर इज नथिंग न्यू, बट खाली एक नए नए प्रोडक्ट, नया टेक्निक और थोड़ा थोड़ा आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सो बिग नाउडेज कि दैट इज मोर शूट ऑन सोशल मीडिया मोर देन एनीथिंग, यू नो. सो नाउ यू सी द फेस एंड नेक मोर और लेस लुक द सेम, इज इट? Even the under eye is not looking too bright or too white or anything. So we will like a very peachy kind of a highlighter. Okay? Now we use a correct, what do we use now? Contour. Very good. So we'll be using a contouring stick, okay? So now, like I always said, if your skin is good, clean, for that you use a contouring stick. So if your problem skin is acne prone, ho, open pores or pits, you use a powder contouring. So with her, we can take a little bit of contouring. So again, if you see the angle will be from the inner lip corner to the hairline. Yaad hai na aapko? And you push it slightly. So it gives that illusion of a cheekbone. And jawline may be by the teeth. We clench teeth and we push it behind the ear. राइट, तो चिन के सेंटर से कान के पीछे तक जाना है ताकि पूरा इल्यूजन चीकबोन और जॉलाइन का आता है. राइट, एंड बिकॉज शी इज यंग एंड पिटी वी आर टेकिंग द जॉलाइन एंड द चीकबोन ऑल द वे टू द फॉरहेड.
ठीक है, उनके फॉरहेड की लाइन है, क्योंकि हमें बहुत ही चिजल फेस देना है, बहुत ही बाबी डॉल लुक देना है, तो हम थोड़ा इसका एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ तक दे रहे हैं। And a little bit on the nose as well. Try to see. So again, like I said, we hold the cheek like this and push it. इंग्लिश में कहा था, when you don't have it, you fake it, okay? So if you see this whole angle now, it gives such a nice effect of the cheekbone, right? तो ये हमें क्रिएट करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको भगवान ने अच्छा cheekbone दिया हो, but if you have great skin, good features, you can just enhance them. Makeup is all about enhancing, right? हमें कुछ और नहीं बनना है हमारे चेहरे पे, कोई ऐसा you know, नकाब नहीं डालना, but obviously हमारे लिए जो खूबियां उसको और एनहांस करेंगे, इट्स मोर अपीलिंग, वी फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक जब हम खुश रखते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो हमारा काम भी ध्यान अच्छा रहता है, राइट? कभी कभी हम जब ऑफिस से काम पे जाने पे नॉट लुकिंग सो ग्रेट, वी आर इन द मोस्ट नैस्टी मूड, एंड वी आर इन द मोस्ट नैस्टी मूड, हमारा परफॉर्मेंस काम में जीरो होता है, और हम अपने सबके ऊपर चिड़चिड़े होते, इरिटेट होते, यू नो, वी जस्ट थ्रोइंग आवर वेट अराउंड, बट द डे वी आर लुकिंग नाइस एंड वी टर्नड आउट नाइस एंड इन अ वेरी ग्रेट मूड, ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस काम में 100% होता है। तो आजकल सिर्फ मेकअप फैशन में नहीं लगाना है, या जैसे आपकी फ्रेंड ने लगाया, इसने लगाया, बिकॉज सोनम कपूर ने लगाया, जरूरी नहीं कि जस्ट बिकॉज यू नो एवरीबडी इज ट्रेंडिंग एंड एवरीबडी इज फैशनेबल, मेकअप इज समथिंग दैट इज लाइक अ पर्सनल स्टेटमेंट व्हिच मेक्स यू फील हैप्पी, हम आईने में जब देखे तो वी फील वेरी हैप्पी, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? वी डोंट गिव अ डैम व्हाट द नेबर्स में से, वो तो जल जल के और काले हो जाएंगे इसके चेहरे, लेकिन हम और खूबसूरत होते जाएंगे और ग्लोइंग होते जाएंगे, बिकॉज वी आर हैप्पी, सो एवरीथिंग इज स्किन डीप, एवरीथिंग इज फ्रॉम विद इन, राइट? So happiness also is very important in the state of mind for your makeup. Because aap lakh mehenga makeup lagao, lekin aap andar se aur you know irritable ho, you're not happy from within, kuch bhi karo, lakh you know rupee ka glitter lagao, glow getter lagao, kuch bhi, it's a waste, right? So that is also very important. Hamara jawline hai aur uske beech mein chin ke niche bhi humne thoda sa cleft diya hai. Isse thoda aur pyara lagta hai chehra, looks very young and girly. Okay, now what is the next step, Tammy? आप काफी मेकअप करके जैसे आपको आइडिया होना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपने बहुत कम लगाया मेरे ख्याल से, आपने हमने फोटो खींच के दिखाया और दिल का भी कितना मेकअप लगाया है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप डार्लिंग जो आपने ऑलरेडी लगाया है? वेरी गुड, वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, सो नाउ अगेन शी गॉट फैबुलस स्किन, सो वी विल बी यूजिंग द पाउडर, नॉट द पाउडर सॉरी द क्रीम ब्लश, राइट? पाउडर ब्लश भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमको बहुत ही क्रीमी ड्यूइंग फिनिश, बहुत ही यूथफुल यंग यू नो काइंड ऑफ अ ट्रेंडी गर्ली लुक चाहिए, हम लोग वापस वी यूज अ क्रीम ब्लश, ओके? सो नाउ वी गोना यूज वेरी पिंकी कलर, बिकॉज़ शी वेयर अ लवली पर्पल काइंड ऑफ कलर, उसको ऑफसेट करने के लिए, बिकॉज़ वेरी रोजी ग्लो ऑन द फेस, ओके? अगेन विद द रिंग फिंगर, बहुत ही हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है ऑन द एपल ऑफ द चीक, जो हमने कॉन्फ्यूर किया उसको हम बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि काफी टाइम ब्लश के नाम से लोग राउंड सर्कल्स बना देते, जो आई थिंक लास्ट एपिसोड से बता, वो पूरा सर्कल्स के जोकर के जैसा लगता है, दैट लुक्स टू मच, टू यू नो ओवर द टॉप, वो सिर्फ हाई फैशन मेकअप में ही काम आता है, बाकी बस ये लगाओ यू लुक क्रेजी, सो यू हैव टू मेंटेन द चीक बोन इफेक्ट, सो यू सी हमने ब्लश लगाया लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द चीक बोन और विदाउट मेकिंग टू ऑब्वियस ऑन द एपल ऑफ द चीक, ओके? On the tip of the nose and the chin. Now see how nice it looks. So just a hint of color will give that little lovely sheen, that lovely finesse to the face, right? फिर क्या लगाएंगे हम लोग? Like I was telling you, that glow getter आता था, जो जीना जमान डे से बहुत ही popular है. It's in a very nice cream thing. आजकल काफी ब्रांड, इंडियन फॉरेन ब्रांड ऑफ ऑल दीज, इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल, इनफैक्ट ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू शॉप, अगर आप खाली टाइप करेंगे ग्लो गेटर्स फॉर ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर, इट्स कॉल्ड क्रीमी ग्लो गेटर, जो चेहरे पे आपको एक रौनक देता है, यू नो इल्यूजन ऑफ लाइक अ नाइस हाइलाइटेड यू नो फेस,
It looks very shiny and like it is saying aapka chehra bahut hi glow kar raha hai. It's called a glow get aur ye kuch is prakar lagta hai. You can zoom in the product if you want. So isko bhi aapko ya haath se laga sakte hain ya you can even take it directly, but I feel it's more hygienic to use the fingers and you know put it on something face kar raha. So again, you apply only on the highlighted areas. The effect it gives is so beautiful. Yeah? And then if you want, you can take a buffing brush and slightly diffuse it if you want. That's a personal choice. Because it's camera, I like it a little more OTT. It will be the loose effect. It will be a blend. It will be a cool blend. But see, very halki haath se, you're just blending this. But see, it still gives that lovely dimension. Ki cheekbone hai, contouring aur lift hai. So lift lagane se, you know, cheekbone bahar aata hai, makes your face look very pretty. The whole shape of the face looks very nice. Same thing, you can even do it a little bit on the tip of the nose. Aajkal ye bahut hi popular agar aapne dekha hoga. Aajkal makeup ke pehle you can even get this highlighting done with an injection, I've been told. Right? You must have seen that. I just saw the other on YouTube. Ye log injection se bhi laga kar kuch glow laga, they're like, oh my god. That's quite extreme. Just strobing or highlighting same hota hai? Very good question. I'm always thinking that there's nothing left. So yes, girls, for all you out there and even for you, ki strobing or highlighting technique is more or less the same. Strobing is that we, you know, jo stroke cream aata, agar aapne MAC ki dukaan mein gaye, aapne dekha hoga stroke cream aata ya strobing products aate, to usko bhi aap strobing technique se aise aise lagate, wohi same cheez bhi, aur highlight bhi same. Like maine bola kaan aap aise pakdo ya aise pakdo. वही सेम चीज है, जैसे अलग अलग नाम देते हैं, लाइक आई सेड कंटूर, आजकल भी कंटूर, अभी हम लोग कटिंग बोलते थे हिंदी में, फिर आज कहेंगे अपने मराठी मेकअप दादा, जैसे आते 30 साल पहले सब लोग चेहरे पर, आपने दादा फ्रंट कटिंग किया करी, चेहरे पे कटिंग किया करी, बराबर है दादा मेरी बात, कटिंग बोलते हैं राइट हमारी लैंग्वेज. सो बेसिकली इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री मेकअप लैंग्वेज ऑल सेड दैट कटिंग थोड़ा ज्यादा और कटिंग करो और कटिंग करो. But अभी इंग्लिश में सब लोग ने आजकल हाई फाई, वो प्लीज कॉन्टूरिंग करो कॉन्टूर. इट्स द सेम थिंग आई ऑलवेज फील कि रिपीटेड रिपीटेड सब कुछ फैशन बोन फिट के वही आती है. अगर आप पहले के जमाने की मेकअप देखेंगे, जीनत जमानिया वाज अ वेरी लेट परवीन बाबी, जिसका मेकअप वाज लाइक ओ माय गॉड. बट अगर आप पहले के जमाने में लोग कभी भी आईलाइनर नहीं लगाते, ना जीनत ना परवीन बाबी, दे शुड ऑलवेज ब्लेंड विद द आईशैडो. और अभी आप देखो वही ट्रेंड चल रही है, सिर्फ लैशेज एंड लाइनर कोई नहीं लगाता. So everybody is replicating the same. If you see Jacqueline Fernandez, she's trying to be the next Parveen Gandhi. So ghoom phir ke fashion, hairstyle, clothes, everything is just repetitive. Thoda bahut uneed bhi dono ne kar diya, ban gaye bade designer, ban gaye bade trendsetter. But by the end of the day, the same thing which they're capturing from, you know, yesterday or then coming back. पहले के जमाने में लोग रद्दी वाले के पास जाके फॉरेन की मैगजीन में लुक देखते थे, आजकल लोग इंस्टाग्राम देखते लुक्स कॉपी कर रहे, बट कॉपी वही होती है. पिंटरेस्ट पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, इट्स द सेम थिंग. Right. तो ये हो गया आपका हाइलाइटिंग हो गया या आपका स्ट्रोबिंग हो गया, इज द सेम थिंग मैं जा रही. ओके राइट नाउ वी पुट ऑन द साइड इट विल लुक वेरी ब्रॉड. वी वांट द होल फेस लुक वेरी टेपर वेरी कॉन्टूर, दैट्स व्हाई वी पुट इट ताकि यहां चिन पे हाइलाइट है यहां पे कॉन्टूरिंग है, बिकॉज़ दैट्स व्हाई शेपिंग द होल फेस वेरी ब्यूटीफुली राइट. And everybody wants that dewy finish. You see, the because makeup all the time is very contoured, very highlighted. The highlight is just bang on the place. Okay, then what you can do is, there are very beautiful highlighters available in the market. So, aajkal powder highlighters bhi aate hain, jo thoda sa metallic look dekhe, lekin it's like sone pe sohaga, ka icing on the cake. You take very little on a brush like this, and you can still create magic by dusting this on top. So, kya hota hai ki cream pe par aap powder laga rahe to aur bhi वो शीन दूर से भी दिख के आती है. तो तब तक आप ब्राइड हो या कोई पार्टी में जाते, पीपल विल सी फ्रॉम पावर माय गॉड क्या चमक रही है, पर क्या चमक वो हम ही जानते हैं राइट. आर यू हैविंग फन माय डार्लिंग, यू आर टेकिंग मी आउट फॉर डिनर नाउ फॉर मेकिंग यू लाफ सो मच. अभी सेम चीज आप आंखों पे भी लगा सकते डार्लिंग. You take a flat brush and use a little bit of a highlighter. अभी जैसे आप देखेंगे हमारी मॉडल के आईब्रोज बहुत ही अनइवन है, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ ट्रिकी टास्क टू अचीव, बट वी शुड स्टिल सी दिस कि उनकी आईब्रोज परफेक्ट लगे. सो बिकॉज़ ऑफ द हाइलाइटर द आईब्रोज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस, और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है व्हिच इज कॉल्ड लाइक अ टी शेप. ओके
अगेन वी स्टार्ट फर्स्ट विद दी आर्च, पहले हमें इसको ठीक करना है, फिर हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा कि इधर कितना भरना है। पर कभी कभी हम लोग यहाँ से भरते तो बहुत ही आगे स्ट्रेट और ब्रॉड है, वो शेप आर्च का आता ही नहीं है, राइट। फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस, और इसकी खूबी पैलेट की है कि इसमें हल्का सा क्रीम भी है, तो आप हल्का सा क्रीम में भी डिप कर सकते हैं ताकि आपका ही शैडो गिरेगा नहीं, राइट। द क्रीम होल्ड्स पाउडर, सो एप्लीकेशन ऑल्सो बिकम्स इजी। नाउ वी स्टार्ट विद द फ्रंट, और अभी हम इसे बिल्ड करेंगे। Now we try match the front to the whole eyebrow ताकि eyebrow का shape you know wonky नहीं लगे, टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। और जितना हो सके इसे हमें natural रखना ताकि लगे नहीं कि इतना सारा powder हमने fill किया। Now to see the difference between one eyebrow and the other eyebrow is quite immense, right? So eyebrows really make or break the face. Again, we first fill the arch. But I would try and avoid a pencil because what I feel Bombay ki humidity mein, India ki humidity humidity mein, pencil thodi time ke baad paseena hota hai to pencil nikal jati, but powder is really stay put. और इसमें ये क्रीम फॉर्म है, क्रीम के साथ अगर आप पाउडर के साथ अंडरवर स्विमिंग भी जाएंगे तो आपका आईब्रोज मूव नहीं होगा, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड कभी कभी यू नोटिस कर लो जब पेंसिल का तो बहुत ही मम्मी टाइप शेप आता है, टू ऑफिस आए बाप से पूरे ऐसे ड्राइंग किया हुआ है, तो यू नो हाउ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने आईब्रो पेंसिल किया है ना, सॉरी आई डिडंट वांट टू बी रूड, यू शुड ट्राई शैल यू रियली थैंक मी। मम्मी को आईब्रो करनी नहीं देती, इसलिए आईब्रो थोड़ा सा शेपलेस है। मेक्स सच अ बिग डिफरेंस एंड येट इट्स लुकिंग नेचुरल। अगर आप पेंसिल करते तो पूरा वो पेंसिल के स्ट्रोक और भी नो, उसका जो क्रेयॉन होता है वो इतना घिस जाता है कि लुक्स वेरी ऑब्वियस। आपने पेंसिल किया है, नेचुरल है। So we're done with the eyebrows. Now we stick the eyelashes. Eyelashes stick karne ke liye, it's very easy if you try and do it with the help of a tweezer. And you just wait for the glue to dry for 2 minutes and then just bang on press it. You okay, Dani? Good now? What a big difference, one lash and one without the lash. It makes such a big difference. Opens the eye and gives that little drama to the face, which is very important. आजकल लोग eyelash extension भी permanent कराते हैं जो उनको करना है, लेकिन ये सिर्फ 19 साल की उसकी मम्मी इसको डांट रही है कि उनको नहीं करना है, which even I would not advise. I think it's very easy to stick eyelashes, but जो permanent eyelash extension कराने जाते हैं कभी-कभी उससे eye infection भी होती, उसका glue इतना strong होता है कि कभी-कभी वो individual lashes जब आंखों में जाते हो glue अंदर जाने की भी शक आता है, और वो आईलैश एक्सटेंशन सिंगल सिंगल लैश होते हैं तो 2-3 दिन के बाद एक एक लैश गिरते जाते हैं, फिर वो गैप दिखता है, लुक्स वेरी बैड, इट मेक्स यू लुक कॉक आईड एंड लुक्स वेरी बैड। सो डोंट ट्राई दिस, आई थिंक स्टिकिंग आईलैश इज द बेस्ट ऑप्शन।
very easy. It's a 2-minute job. If you're foreign, there are so many people who stick lashes every day to work. Even here, I've seen a lot of people do it. So I think it's always easier and better to do that than just, you know, stick one with lash extension. And now we can again take the purple eyeshadow and slightly blend it on top. Close the eyes. Again, I'm starting only from the center and then going in the front alley. If you have a new movie, I will be shift diagram. Close back for 2 minutes. So she likes to have a nice pout, so I'm going to give a nice pouty lips. I think our audience basically is going to tell us that you have more liquid lips to put on your lips or patchy lips. So I'll show you a trick after this what to do. And then you build a round shape so it doesn't look too out of shape. Or if it's a hobby, you can always take a little sponge and make a to half and just wipe the corners off. Okay? Now I'm putting a product for lip injection. So guys, this is for the audience. If you have a chote ho aur aapko pouty lips hai, to aaj kal market mein gloss bana hai jo injection kar chupta hai. But if you have sujhe aur pouty lips lagenge at least 4 ghante tak, which is a guarantee. We all use it and it's really safe. It's called the lip injection. It's called injection ka photograph bhi hai. It's called the lip injection because all the boys, girls, everybody, everyone try it. Before you can try it. So, thoda sa isse mirchi ki tarah jalan hoti hai. It's like a sting which you get just for a second, nothing really too much or something. But it's a lovely shape in the lips. So, hamari mom ko bada shock and promote badi karne ka shock. So, we are fulfilling her dream, darling. Nice, lovely pout, and the lips look nice and fuller. Okay, now again, we finish the eye with a little bit of mascara. Can I have the mascara, girl? Yes, yes. So, just have any lashes, a guy, but funky lashes or nakli lashes, go, we have to blend it together. Because coffee time has seen makeup artists, yeah, but first we have to do it. So, I'm sure that the jaldi mein hum log bhool jate hain ki lashes ko kaise blend karna hai. So, the trick is just look a little there. ऐसे होल करके सिर्फ लैशेस को मिक्स करना है उनकी लैशेस के साथ ताकि मालूम नहीं पड़े कि असली कौन सी है नकली कौन सी लैशेस है एंड यू हैव टू जस्ट मिक्स इट लाइक दिस इफ यू सी आई एम जस्ट विगलिंग द मस्कारा वॉन्ड तो इसको आपकी उंगली जो है नाखून या आपकी फिंगर के ऊपर रख के जस्ट मिक्स द लैश विद द फेक लैशेस So you can't even make out that where's the fake lash and where's the real lash. Yeah? And eyes look nice and sparkly. So aaj inki dono humne ek khwahish puri kar di. Unko bahut hi zarurat thi ki nakli lashes kaise lagi. Firm lashes unki aankhon pe because she can see that. And she wants her pouty lips, so we've done that. So agar aap kisi cheez ko shock hai, then please join us at the bandwagon over here at Tata Sky. Now it's tingling, अभी थोड़ा थोड़ा जल रहा है होंठ पे
But that's a good sign because that means the product is working. If it doesn't, that means you know the product is fake. But because it's slightly tricky, like, mirchi kaise do minute ke liye how we feel as I'm sure that's just a temporary 2 minute phase, but then becomes normal after. Right. So you can always swiggle the mascara wand or aajkal single single lashes bhi milti hai market mein jo aap laga sakte hain. Jaise Rekha hamari actress hai, she always puts single lashes, it looks really nice. But I think it requires a little practice. But I feel agar aap patla brush aur mascara acha se lenge aur usko halke haathon se aap dab karenge, ya agle tutorial mein hum aapko dikhayenge kaise aap eyeshadow laga ke bhi uski madad se aap dikha sakte hain ki aapki lashes niche bhi ghani hai. It's an illusion that you create. So that is the makeup trick which we show in the next tutorial, I promise you. That how is it spilling a little brown eyeshadow and just spilling the mascara and actually makes an appearance of looking, oh wow, inki lashes ghani hai niche. And let me also tell you my friends, ki ye myth hai, ek vehem hai, myth, I don't know what you call it in Hindi, what do you call myth? मस्कारा करके हमारी लैशेज गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, या मेकअप करने से हमारी स्किन खराब हो जाएगी. अगर ऐसा होता तो सब बॉलीवुड एक्टर घर पे बैठे होते हैं और आपसे उनसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेकअप लगाने से स्किन खराब होती या एजेड हो जाती या लैशेज गिर जाते, बाल लो ड्राई कलर कराने से भी ऐसा होता है. इट्स जस्ट अ मिथ. आई थिंक अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हो, अच्छे प्रोडक्ट को क्लेंस करते हो, पहले आप मेकअप कर तो नहीं जाती रात को. But you go home and rinse, clean your face properly and sleep properly.